ढिंडोरा को लेकर ऑडियंस ने बीबीकी वाइन से कुछ पूछा कि ढिंडोरा का जो एपिसोड होता है 15 से 16 मिनट का ही क्यों आ रहा है, और ये सप्ताह में सिर्फ एक ही वीडियो क्यों आ रहा है, दो वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो दो एपिसोड डालने का ऑडियंस ने गुजारिश किया। बीबीकी वाइन ने रिप्लाई देते यानी भुवन बाम ने रिप्लाई देते हुए कहा, आप भी देख लो, उसके बाद बोलना। वीडियो देखने से पहले आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल टेक्निकल होल ज्ञान पर। तो देखिए भुवन बाम ने क्या कहा इस चीज को लेकर। बहुत लोग मुझे बोलते हैं, बहुत लोगों के डीएम आते हैं, मुझे मेल भी आते हैं बहुत, कि ढिंडोरा के एपिसोड्स थोड़े लंबे रखा करो, ढिंडोरा के एपिसोड्स 15 मिनट 16 मिनट 17 मिनट ऐसे क्यों हैं। तो मैं बताता हूँ अभी कि ऐसा क्यों है। तो जब कोई एपिसोड 30 या 40 मिनट का होता है तो जनता एक फ्लो में नहीं देख सकती उसको, मेजोरिटी जनता। बहुत लोग देखे मैंने ऐसे जो 15 मिनट अभी देख लिए, 20 मिनट बाद में देख लिए, शाम को देख लिए। तो ये कॉमेडी जॉनरा के लिए सही नहीं है, वो ना फ्लो टूट जाता है और फिर एसेंस लूज हो जाता है। तो इसलिए कॉन्शियस डिसीजन था टू कीप द एपिसोड्स शॉर्ट एंड क्रिस्प। बीबीकी वाइन्स का एसेंस है कि शॉर्ट और क्रिस्प रखो, बैक टू बैक जोक्स आने चाहिए, स्टोरी समझ आनी चाहिए और साथ साथ स्टोरी प्रोग्रेस भी होनी चाहिए और किसी का फ्लो नहीं टूटना चाहिए। ये एक रीजन था। दूसरा रीजन, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपने नोटिस किया होगा मेरे एपिसोड्स 5 मिनट 6 मिनट के होते थे। तो 5 मिनट से सीधा 15 मिनट का एक ऑलरेडी मेरे लिए जंप है बहुत बड़ा, 10 मिनट का जंप है। वो 10 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं, 10 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, और अगर 15 मिनट के एपिसोड 16 मिनट के एपिसोड हैं तो एक साथ निकाल दो, क्यों वेट करा रहे हो एक हफ्ते का? वो इसलिए क्योंकि एल्गोरिथम ऐसे वर्क करता है कि आपको बीच के 2-3 एपिसोड दिखेंगे ही नहीं अगर एक साथ आ गए तो, क्योंकि एक पे 20 व्यूज, एक पे 10 व्यूज, एक पे 4 व्यूज, एक पे 2 व्यूज, एक दिख ही नहीं रहा। तो ठीक है, अगर एक साथ नहीं निकाल सकते तो हफ्ते में 2 एपिसोड निकाल दो, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि एक एपिसोड को बहुत लोगों तक ट्रैवल करने में बहुत टाइम लगता है। एटलीस्ट एक हफ्ता तो एक एपिसोड को देना चाहिए और ये बहुत ही सोचा समझा हुआ डिसीजन है। सो और एक साथ सारे एपिसोड डाल भी नहीं सकते क्योंकि अगर किसी ने पहले देख लिया सारे एपिसोड तो कमेंट सेक्शन में स्पॉयलर्स हो जाएंगे, फिर इट विल रूइन फॉर एवरीवन एल्स। तो यस, बहुत ही सोचा समझा हुआ है ये, आई एम सॉरी बट आई लव यू। सो गाइस, भुवन बाम ने YouTube का एक सीक्रेट एल्गोरिथम बताया, आपको क्या पता चला नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताना। सौरव जोशी ने अपने ब्लॉग में एक छोटा सा सीक्रेट शेयर किया जो एप्पल कंपनी से रिलेटेड है, जिससे आपको पता चलेगा कि एप्पल कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कैसा स्ट्रेटेजी अपनाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखा देता हूँ। शायद बहुत लोगों ने ये ब्लॉग देखा होगा लेकिन नोटिस नहीं किया कि यहाँ पर सौरव जोशी ने अपने ब्लॉग पर कुछ ऐसा कहा एप्पल कंपनी को लेकर। ये क्लियर है, ये क्लियर नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, ये एप्पल वालों ने क्या कर दिया। अदरवाइज मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है एप्पल, कभी मत लेना गाइस। अब अगले साल इसका कैमरा भी देखना चंदा कर देंगे। अभी अगर आपको पता नहीं चला तो मैं आपको ठीक से बताता हूँ कि जब भी नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है एप्पल कंपनी यानी आईफोन, जैसे अभी आईफोन 13 आया है वैसे ही आईफोन 14 आएगा तो आईफोन 13 का कैमरा क्वालिटी लूज कर देगा कंपनी। तो ऐसे में जो ब्लॉगर्स होंगे जैसे हमारे जैसे, वो लोग अपने क्वालिटी से कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तो क्या करेंगे उस लोग, अपग्रेड करेंगे, आईफोन 13 से आईफोन 14 में चले जाएंगे। तो इसी स्ट्रेटेजी को अपनाती है आईफोन कंपनी यानी एप्पल कंपनी, यही चीज़ को बताया है सौरव जोशी ने। तो गाइस, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को अभी से लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। तो ना जो स्क्रिप्ट का ऐसा बकी करे एकदम नाक बंद हो गया है, कैसा आवाज रिकॉर्ड हुआ है पता नहीं।